चलिए मैं आपको इस वीडियो में जो है एलईडी बोर्ड कैसे बनाते हैं, इस वीडियो में बता देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तो आप जो है एलईडी बोर्ड का काम करना सीख जाएंगे, आपको एलईडी बोर्ड बनाना आ जाएगा। ये देखिए जो है प्लास में कैसे बल्ब को पकड़ते हैं और फटाफट जो है कैसे डालते हैं अंदर में, वो ध्यान से देखिए आप। इसी अनुसार से आपको जो है बल्ब को जो है गाँथना है, देख लेना प्लस माइनस करके, प्लस माइनस एक साइड लेना, यानी उसमें बड़ा तार निकला रहेगा तो वो बड़ा वाला जो तार रहता है वो प्लस रहता है और छोटा वाला तार माइनस रहता है। और इधर देखिएगा, देखिए छः छः करके जो है कटा हुआ है, ये हम सब करते हैं। छः छः बल्ब का जो है एक सीरीज होता है जो हम रेजिस्टेंस में लगते हैं। ये देखिए यहाँ सब जो है छः छः बल्ब में जो है हमको काट के अलग कर दिए ताकि हम इसमें जो है रेजिस्टेंस लगेगा, इस सब में जो बीच में क्या लगेगा रेजिस्टेंस, जिसको हम फ्यूज बोलते हैं, 330 ओम का जो आएगा वो जो है फ्यूज लगेगा, इसीलिए वो कट के रखा हुआ है। अभी यहाँ देखिए यहाँ जो हम लगा रहे हैं, ध्यान से देखिए। यदि आपको काम सीखना है एलईडी बोर्ड का काम कैसे होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसको ध्यान से देखो और ध्यान से देख लीजिएगा तो ये कैसे बनता है, तो आप इसको ठीक करना भी समझ जाएगा कि एलईडी बोर्ड को हमको कैसे ठीक करना है। आप देखते रहिए और ये देखिए यहाँ पे ये कटिंग हो रहा है, इसी अनुसार से जो आपको भी काट लेना फटाफट करके, देख रहे कितना स्पीड में कट रहा है उसी अनुसार आपको भी काट लेना है। और इसमें ये देख लेना कि आपको एक साइड से प्लस वाला बल्ब को रखना है, एक साइड माइनस वाला बल्ब को तार को रखना है, तो एक बराबर से आप काटिएगा। पहले हम सबको काट लेते हैं तो आगे बता देते हैं क्या करना है आगे। चलिए इसी अनुसार से जो है काट लीजिए, आप देख लीजिए पूरा जो कटिंग हो रहा है और इसी अनुसार से काटते रहिए। चलिए काट लिए हैं, इधर भी देखिए इधर भी काम चल रहा है, इसे यहाँ पर जो है ये बल्ब को जलाने का, जो ये बोर्ड को जो जलाने का काम हो रहा है इधर। और एक और बोर्ड जो है मैं दिखा देता हूँ जो वो यहाँ पे है, यहाँ पे बन रहा है, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए ये बोर्ड जो है, इस बोर्ड में मैं आपको सारा कनेक्शन बता देता हूँ। देखो वहाँ जो बताया था मैंने 6 बल्ब का जो सीरीज होता है, यहाँ देखिए 6 बल्ब के फ्री सीरीज को यहाँ पे जाके फ्यूज को बांध दिया, ये देख रहे हैं। और यहाँ देखिए ये फ्यूज जो है लगा रहे हैं, ये रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, जिसको कोई कोई डाइवर्ट भी बोल देता है, तो ये रेजिस्टेंस है 330 ओम का है, और 330 ओम का बोलेगा मार्केट मिल जाएगा। देखिए 6-6 जो है 6 बल्ब का जो सीरीज है, ये देख रहे हैं हर एक में मार रहे हैं। आपको यहाँ दिखा दे, हमें दिखा देता हूँ यहाँ साफ साफ करके। ये देखिए ये यहाँ से ऐसे करके इसमें ज्वाइंट हो जाएगा, दोनों रेजिस्टेंस को ज्वाइंट करके सोल्डिंग मार दिया जाएगा। और देखिए ये जो है 6-6 बल्ब का जो है एक सीरीज बना दिया है और दोनों को इसी अनुसार जो है एमेट दिया है। इसमें जो लगेगा नेगेटिव वायर लगेगा, इसमें जितना आएगा पावर सप्लाई जितना देंगे हम, नेगेटिव वाला जो तार आएगा माइनस वाला, ये 12 वोल्ट का जो तार डायरेक्ट इसमें करंट आएगा, 12 वोल्ट का तार लाएंगे इसमें जो करंट देंगे और ये चलना शुरू हो जाएगा। जब मैं बताऊँगा जब आगे जो है इसमें काम होगा तो आगे मैं बताऊँगा, पहले ये देखते रहिए काम। और देखिए यहाँ पर फ्यूज अभी जो है लगा रहे हैं, इसी अनुसार जो सारा में जो जितना है कॉमन वायर सब में लगाया जाएगा। और यहाँ जो है देखिए ये तार को कैसे बनाया जाता है, ये देखिए इधर, और ध्यान से देखिए। फिर ये तार ऐसे बांध दिया, ये 6 पे कटेगा, ये तार जो बंधा हुआ है, फिर 6-6 करके जो है बल्ब के पास जाके उसको तार को अलग करना होगा और उस बीच में जो रेजिस्टेंस मारना होगा। पहले जो इसके अनुसार जो पहले इसको फटाफट करके बिन लेते हैं और इसमें फिर सोल्डिंग मार लिया जाएगा, इसी अनुसार से आपको भी कर लेना है। देखिए जैसे तब फटाफट हो रहा है उसी अनुसार जो आपको भी कर लेना है, और ध्यान से देखिए और तार को काट लेना है। इतना करने के बाद आपको अलग भी करना होगा, 6-6 बल्ब को जो है 6 बल्ब इस साइड 6 बल्ब उस साइड भी करना होगा। देखिए यहाँ इधर जो है 6-6 बल्ब करके कटा हुआ है कि नहीं, ध्यान से देखिए ये 6 बल्ब करके कटा हुआ है, आपको भी अलग कर लेना और उसके बीच में रेजिस्टेंस आपको लगाना होगा। यहाँ देखिए ये सब जो है कटा हुआ है 6-6 बल्ब के ऊपर, ऊपर में भी जाएगा तो सब कटेगा, देखते रहिए आप। और यहाँ देखिए यहाँ जो है वो जो नेगेटिव वायर है जो फ्यूज में जो हम बोले थे रेजिस्टेंस में लगेगा 330 ओम में, ये देखिए ये नेगेटिव वायर जो है जा रहा है और ये नेगेटिव वायर जो है सारा में जो है दौड़ेगा, जितना एलईडी है जितना फ्यूज लगा हुआ है हमारा 330 ओम, वो सारा का सारा जो है इस सब में जुटेगा ये तार जाके, और उस तब जो है जाके ये जलेगा और तब ये सारा बल्ब जलेगा। इसी अनुसार मारते रहिए,
पहले काम हो जाता है। तो देखिए ये रेजिस्टेंस है और इसी अनुसार से जो है आप आगे भी मारते रहिए माइनस में, जितना फ्यूज होगा उस समय रेजिस्टेंस में जो ये माइनस का तार लगेगा, और तब के बाद जो है इसके बीच में भी मारेंगे। देखिए जितना है सब में आपको मार लेना है। देखिए अगर ये तार अगर छूट गया तो आपका एक लाइन का जो नहीं जलेगा, बाकी सब जल जाएगा। और देखिए ये कैसे मार रहे हैं और उसी अनुसार से जो है आपको भी मार लेना है। जितना बल्ब है उस सब बल्ब पे जो है आपको जो है मारना ही होगा। ये तार, ये कॉमन तार है जो पावर से 12 वोल्ट आएगा डायरेक्ट, इसमें हम 12 वोल्ट का करंट भी देंगे इस तार में, तो ये 12 वोल्ट करंट देंगे तो ये जलेगा। कहने का मतलब एक तार से 6 बल्ब का सप्लाई दे जा रहा है यहाँ से। और ये देखिए इसी अनुसार जो हर एक फ्यूज पे थोड़ा टाइम लगेगा, ध्यान से देखिए कैसे जो है मारा जाए। ध्यान से देखिएगा तो ही आप काम सीख पाइएगा। अगर आपको काम सीखना है तो स्किप नहीं कीजिए, ध्यान से देखिए, थोड़ा टाइम दीजिए और टाइम देखकर आप ये काम अगर सीख गए तो आप बोर्ड को खुद बनाना और खुद रिपेयरिंग करना समझ जाओगे और जान जाओगे। कभी कभी बल्ब नहीं जलता है तो ये तार जो क्या होता है हट जाता है, तो इसीलिए जो है वहाँ का जो इतना दूर का जो जगह होता है उस समय के बल्ब नहीं चलता रहता है। यदि आपके साथ ऐसा होता है ये बल्ब तार छूट जाता है किसी में से भी लेकर, इसमें तार का करंट दे दीजिए आपका जो है बल्ब सीख गया। यहाँ देखिए ये उतना भी हमें जितना है फिर सब में इसको दोहराना होगा और मारना होगा। ये देखिए मैं मार रहा है यहाँ। यदि कोई लाइन में आपका जल नहीं जल रहा है तो इसका मतलब वो तार छूट गया है। आप किसी भी फ्यूज से लेकर इसमें से इसमें सटा सकते हैं माइनस वाला तार को जो 12 वोल्ट आएगा। हर एक रेजिस्टेंस में मारना होगा ये तार को, और ये मार रहे हैं। और ध्यान से देखिए ये देखिए कैसे काम हो रहा है, और इसी अनुसार से जो है आपको भी कर लेना है। देखिए स्टेप बाय स्टेप होता है ये काम, अगर स्टेप बाय स्टेप बाय इस काम को देखिएगा तो ये बहुत आसान है, और स्किप करके नहीं देखिए। ये देखिए आप जो है हम कॉमन दे रहे हैं, रेड वाला जो है तार दे रहे हैं, जो प्लस का होगा वो प्लस वाला तार दे रहे हैं बोर्ड में। देखिए तीन बल्ब के बीच में मारना है, ये जो है 6-6 बल्ब का जो सीरीज बना हुआ है, तो तीन बल्ब के जो है बीच में हर एक ये रेड वाला तार को आप हमको देना है। और ये जो है आप जो है इसमें हम करंट देंगे 12 वोल्ट का जो एस एम पी एस पावर सप्लाई है, तो ये बल्ब जितना भी करंट सप्लाई हुआ है वो सारा का सारा चलना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो है देखिए इतना में हो गया है, और जितना बल्ब है सब में जो है आपको तीन तीन के बीच में ये रेजिस्टेंस में जो लगा हुआ है 6 बल्ब का रेजिस्टेंस है, गैप है 6 बल्ब का, तो उस बीच में जो आप मार दीजिए ताकि दोनों तरफ साइड तीन तीन बल्ब को साइड मिलते रहे। तो ये यहाँ पे देखिए ये मार रहे हैं फटाफट, उसी अनुसार से जो आपको भी कर लेना है। देख लीजिएगा जो आपका बल्ब अगर ये नहीं जले तो यही तार अगर छूट गया होगा उस लाइन का वो तो नहीं जलेगा। तो इसी अनुसार जो है देखिए आप ये इसमें समय मार रहा है, आपको भी इसी अनुसार से मार लेना है, और तीन बल्ब के बीच में ही मारिएगा तो आपका जो है ठीक रहेगा, क्योंकि बराबर बराबर करंट देगा। और एक नेगे प्लस वाला भी तार हो गया, प्लस वाला रेजिस्टेंस में मार दिया, सॉरी नेगेटिव वाला तार जो है रेजिस्टेंस में मार दिया, प्लस वाला तार बल्ब के बीच में हम मार रहे हैं। और इसी अनुसार जो है हर एक में मारना होगा, जिस प्रकार हम नेगेटिव वायर को मारे उसी तरह हम पॉजिटिव वायर को भी हम लेते जाएंगे और मारते जाएंगे। यदि इसी समय यदि हम करंट दे 12 वोल्ट का, तो ये जितना बल्ब का भी कनेक्शन हुआ है सब बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए ये वीडियो को, और देखिए ये करंट कैसे होता है, कैसे पावर सप्लाई दिया जाता है और कैसे होता है। इसमें जो है इसमें सारा काम भी करना होगा, और यहाँ पे बल्ब का जो है क्या हो रहा है भैया, देखिए मारकर जा रहा है। ये जितना होगा सबको ढूंढ ढूंढ कर मारना होगा, ये जितना बल्ब होगा जो सब में जो है हमको करंट लेकर ढूंढ ढूंढ के एक एक बल्ब को मारना होगा। अब कोई छूट जाता है तो उसको हम बाद में भी कर सकते हैं। यदि हमसे कोई बल्ब का तार कनेक्शन छूट गया तो उस समय जलाएंगे तो देख लेंगे यहाँ पे कनेक्शन नहीं लगा हो, तो उसमें लेकर हम यहाँ से वहाँ हम मार भी सकते हैं। अब देखिए उतना दूर से हम छोड़ दिए, वो किस लिए छोड़ दिए, क्योंकि वो रनिंग। और यहाँ देखिए यहाँ जो है साइड में काम चल रहा है ये झरना वाला गेट बोर्ड का, और यहाँ देखिए मैं जो वहाँ पे दिखाया था वो बल्ब उतना छोड़ दिया है उस बीच में, इतना इसलिए छोड़ा कि वहाँ पे रनिंग आएगा। रनिंग वाला को आपको ध्यान से देख लेना है, और जो बिना रनिंग है ये डायरेक्ट करंट से जलेगा जो 12 वोल्ट सप्लाई देंगे, और ये जलना शुरू हो जाएगा। आप देखिए ये रनिंग का तार है, जो 5 तार रहता है, 5 तार आपको ले लेना है, लेकिन ये कलर में रहता है, और लेकिन यहाँ पे कलर नहीं है लेकिन सब पीले ही है, तो आप समझ जाएगा आपके लिए बेस्ट रहेगा, कलर सब तार रहे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये देखिए सब तार को जो सीरियल बाय सीरियल, ये यही होता है करंट।
आप यही जो होता है क्या वो इसको हम बोलते हैं रनिंग रनिंग वायर बोलते हैं, जो 5 तार का होता है। ये देखिए सब में जो इसको इसको किए फिर बल्ब ये इसको जलाएगा, जो बुक वाक करके चलता है जो रनिंग होके चलेगा। ये देखिए कैसे होता है। अब जितना बल्ब मेरा बोर्ड में जो है, जिस बल्ब को हमको रनिंग बनाना है उस सब बल्ब में जो है ये रनिंग तार हमको दौड़ाना होगा, और जिस बल्ब को हमको डायरेक्ट रखना है वो डायरेक्ट कनेक्शन हमने ऑलरेडी पहले कर दिया है तो वो बल्ब से ऑलरेडी पहले जलेगा। ये देखिए इधर जो है बाहर में जो है कनेक्शन है उन सबको हमको रनिंग नहीं करना होगा, क्योंकि वो सब रनिंग नहीं है, वो डायरेक्ट है। और जो जिसको हमको डायरेक्ट रनिंग में जलाना है तो वो रनिंग के लिए ये तार जा रहा है, ये बल्ब सब रनिंग होगा। ये देखिए कैसे कैसे रनिंग होता है, ध्यान से देखिए, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है जो काम सीखना चाहते हैं उनके लिए। और ये देखिए ये रनिंग में जो है मार रहे हैं, और रनिंग को ध्यान से मारिएगा, और आपको देखिए वो वहाँ पे है इसमें इसमें मार रहे हैं आगे चल के। और नेगेटिव वायर ऑलरेडी इसका जो कनेक्शन कर दिया गया है, और ये पॉजिटिव वायर है सारा का सारा, इसमें पॉजिटिव करंट जाएगा और बोर्ड जलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वायर का करंट ऑलरेडी सब में दे दिया गया है। ब्लैक वाला तार को जो हम फ्यूज रेजिस्टेंस होता है उसमें हम ऑलरेडी लमार दिए हैं, और ये जो जा रहा है ये पॉजिटिव वाला तार जा रहा है जो 1x1 करके जा रहा है। यहाँ पे देखिए रनिंग हो रहा है, रनिंग वाला तार हम डाल रहे हैं। तो ये चलिए ठीक है, डालो मारो। हाँ चलो ये देखिए देख रहे हैं आप, इसी अनुसार से आपको भी रनिंग तार को लेकर इसमें कनेक्शन करते जाना है। और ये रनिंग तार सारा में नहीं होगा, जिस बल्ब जो बल्ब दौड़ेगा वही बल्ब को हम रनिंग में लेंगे। और वैसे तो यहाँ पे रनिंग वाला में जो है मल्टी कलर तार रहता है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे फिलहाल वो सब रंग का तार, अलग अलग कलर का तार नहीं है, एक ही कलर का तार है, तो उसी से काम चल रहा है, तो कोई उसे कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देख लो कि रनिंग कैसे लगता है, रनिंग कैसे दौड़ता है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। रनिंग तार इसीलिए होता है क्योंकि एक बल्ब दूसरे बल्ब को पाता है, इसीलिए दिया जाता है। और इसमें जो है माइनस वाला तार हम ऑलरेडी दे दिए हैं तो करंट तो चल भी करेगा, तो ये यहाँ पे है, ये देखिए ये यहाँ पे दे दिया गया है, ये उधर का जो है माइनस वाला तार है तो वो वहाँ पे दे दिया गया है उसको, ताकि वो चल जाए। ये देखिए रनिंग वाला तार हो गया, उतना दूर का रनिंग है, वही तार को हमको खींच के यहाँ पे लाना, क्योंकि ये भी तो रनिंग है, इसको ये भी रनिंग होगा, तो इसको भी यहाँ से देखिए वहाँ से खींच कर ला रहे हैं एक एक करके, और इसमें मार रहे हैं। अगर ये तार कहीं पर से छूट गया तो ये बल्ब आधा नहीं जलेगा, ये भी ध्यान रखिए। अगर ये तार अगर कहीं से बीच से टूट गया तो कोई बल्ब बीच से रनिंग वाला काम करना बंद कर देगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप कि कोई तार टूटे नहीं। अगर आप बोर्ड खरीदते हैं और बीच में कभी 2 साल बाद टूट जाता है तो ये तार को देखिएगा, चेक कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा ये तार यहाँ से टूटा हुआ है रनिंग वाला, तो उस तार को वहाँ पे आप सोल्डिंग कर दीजिएगा, तो फिर आपका जितना बल्ब बंद हुआ है वहाँ से वो बल्ब सब रनिंग करना शुरू हो जाएगा। तो इसी अनुसार से देखिए ये यहाँ पे कर रहे हैं काम, और ये रनिंग वाला जो है तार जो है तोड़ रहा है, और आपको इसी अनुसार से जो है कर लेना है। थोड़ा टाइम तो लगेगा, इतना देर से जब हम वीडियो बना रहे हैं तो आपको देखना तो कोई जल्दी नहीं है। और देखिए ध्यान से ये देखिए सेम रनिंग वाला तार है, ये रनिंग वाला तार जा रहा है, और कनेक्शन जो है इसका कनेक्शन भी मैं दिखाऊंगा। ध्यान देखिए रनिंग वाला तार कैसे होता है। अगर बाय द वे अगर कभी भी आपका तार अगर टूट जाता है रनिंग वाला बीच से, तो जितना रनिंग उससे आगे देंगे वो सब रनिंग बंद हो जाएगा उस तार का। तो इससे अगर आप जो है बोर्ड को बनाना समझ जाएंगे तो बोर्ड का रिपेयरिंग करना भी आप समझ जाएंगे। देखिए जो चीज़ बनाना हम जानते हैं उसको हम ठीक करना भी समझ और पहले सीख जाते हैं, तो इसको अगर जान जाइएगा कि ये चलता कैसे है तो आप ठीक भी आसानी से बोर्ड को रिपेयरिंग भी आसानी से बहुत ईजी तरीका से कर सकते हैं। बस इसका कनेक्शन देख लीजिए आप, जो इसको जो है बनाते कैसे हैं, जो एक बल्ब नहीं जलेगा तो क्या होगा, जो एक रनिंग तार अगर टूट जाएगा तो जितना रनिंग में होगा एक एक रनिंग बंद हो जाएगा, वो इसी तार की वजह से होगा, बीच में से कोई तार ब्रेक अगर टूट गया तो आपको ध्यान से देखना है इस वीडियो को। और इसमें जो है आपको पहले ही बता दिए हैं कि नेगेटिव वाला वायर ऑलरेडी दे दिया गया, ये सिर्फ चल रहा है तो ये पॉजिटिव वाला तार मार रहे हैं, ये सारा का पांचों तार जो है पॉजिटिव है, यानी प्लस वाला तार है। नेगेटिव तार ऑलरेडी फ्यूज में हम कनेक्ट कर दिए हैं, देखिए वहाँ पे सारा रेजिस्टेंस, जितना रेजिस्टेंस है वो सारा रेजिस्टेंस में जो है
नेगेटिव तार कनेक्ट ऑलरेडी है, और ये जो पांच तार जो हम रनिंग वाला दौड़ा रहे हैं, ये सारा तार जो है क्या है, प्लस वाला है। तो ये सर्किट से आएगा, जो सर्किट अपना चाल में चलाएगा, रनिंग कर पाएगा बल्ब को, इसीलिए दिया जा रहा है। ये देखिए वहाँ से उठा के लाए हैं, और ये इसी अनुसार जी आपको भी कर लेना है। और देखिए किस अनुसार से जो है ये हो रहा है, बन रहा है, और ध्यान से देखिए रनिंग वाला तार, ये रनिंग का काम हो रहा है। चलिए भाई तब तक कीजिए आप, फटाफट रनिंग मारिए। ये देखिए ये बीच में रनिंग तार इसलिए मार दिया है क्योंकि जो है वहाँ जो है बल्ब का गैप ज़्यादा था, और ये यहाँ बीच बल्ब का गैप सेम है, तो यहाँ बीच में जो है क्या है, दोनों बल्ब को सीरीज कर दिए हैं। दोनों बल्ब को सीरीज करके जो एक ही मार दिया, तो दोनों बल्ब रनिंग करना फिर शुरू कर देगा। लेकिन वहाँ जो बल्ब हटा हुआ था तब तार नहीं पाता, इसीलिए जो है वहाँ एक उधर एक इधर करके मारा गया है, आप समझ जाइएगा। देखिए ये रनिंग वाला तार दौड़ रहा है फिर ऊपर से, सारा खेला लेकर ये होता है, रनिंग तार का कनेक्शन होता है सारा। ये देखिए ऊपर से लेकर आए हैं रनिंग तार, और सब में जो है बारी बारी करके जो है मार रहे हैं, सीरियल बाय सीरियल करके मार रहे हैं, ऊपर से जो कौन वायर कहाँ कितने नंबर पे आया है उतने नंबर पे जो है मार रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो है सब का सारा सीरीज हो गया, और ये सारा रनिंग तार है। संपर्क भी कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर मेरा मोबाइल नंबर भी सारा दिया गया है। और आपको कोई भी रिलेटेड कोई भी प्रकार का कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं, हम कमेंट का जवाब जरूर देंगे। और हम सबका जो एड्रेस ये कहाँ है तो बता दे रहा हूँ कि मेरा एड्रेस जो है दरभंगा बिहार है। आपको अगर आना चाहते हैं एलईडी गेट बोर्ड बनवाने के लिए तो आप दरभंगा बिहार आ सकते हैं, बस स्टैंड के पास, बस स्टैंड के पास ही घर है, आपको दरभंगा में आना होगा, बिहार दरभंगा। ये वहीं पे जो है लाइट मैन्युफैक्चरिंग है, ये काम लगभग जो है 10-15 सालों से लगभग हम सब जो है करते आ रहे हैं, और यहाँ पे होता रहा 15 सालों से। तो कहने का मतलब ये हम सब जो है
बिहार के हैं। ये देखिए रनिंग तार सारा का सारा कनेक्शन हो गया है। यदि आपको किसी प्रकार का समस्या आता है कनेक्शन से रिलेटेड, तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। यदि आपको काम हम भी सीखना हो तो आप हमें बता भी सकते हैं। देखिए इसी अनुसार जो ऊपर में भी चक्र है, ये चक्र भी सारा रनिंग है। तो देखिए उस चक्र में आप ध्यान से देखिएगा, उस चक्र में जो हमने प्लस वाला तार जो है रेड वाला लाल वाला, वो लाल वाला तार को हमें सुनने को नहीं दिया है, क्योंकि वो जो है तार को हमको जलाना, डायरेक्ट जलाना नहीं है, हमको तो रनिंग में जलाना है। तो उसको रनिंग वाला में हम दे रहे हैं। देख रहे हैं आप, प्लस वाला तार को सिर्फ और सिर्फ जो है बीच में दे दिया गया है रेड वाला, बाकी साइड साइड से जो क्या कर दिया रनिंग दौड़ रहा है। तो हम रनिंग वाला तार देंगे। ये रनिंग वाला तार जो दौड़ाएगा तो ये चक्र के तरह बल्ब नचेगा और रनिंग करेगा बल्ब, तो बोर्ड दिखेगा, अच्छा दिखेगा। आप देखते रहो, देख रहे हैं सब में जो है नेगेटिव तार जोड़ दिया गया, लेकिन पॉजिटिव तार नहीं जोड़ा गया। पॉजिटिव तार को हम नेगेटिव बनाए, अथी रनिंग बनाए हैं, रनिंग तार ही मेरा पॉजिटिव तार है। तो उसी अनुसार से जो है आपको भी कर लेना है। और सोल्डिंग मार रहे हैं थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप जितना टाइम दीजिएगा आप काम उतना ही बढ़िया से आप सीख पाइएगा। देखिए आप, ये जितना रनिंग आप देख रहे हैं साइड साइड से जो है वो जो है साइड साइड से रेड वाला वायर नहीं दिया गया, उस साइड में भी देख रहे हैं आप। तो उस साइड में जब रेड वाला तार नहीं दिया गया है, इसका मतलब उधर भी जो है क्या जाएगा, रनिंग वाला वायर जाएगा। तो उधर भी हमको रनिंग देना है, क्योंकि हमको पता है कि उधर जो है रेड वाला तार नहीं दिया, तो इसका मतलब वो क्या है, रनिंग है। तो उधर भी रनिंग जाएगा, रनिंग फटाफट हम मार रहे हैं। और देखिए लास्ट तक देखिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि ये कौन सा रनिंग में जाएगा अभी तार? यदि आप काम सीखना चाहते हैं तो दिमाग लगाइए कि कौन सा जो है अभी किस में जाएगा तार। तो आपको बता दें कि जहाँ जहाँ तार दिख रहा है कि प्लस वाला तार जहाँ जहाँ नहीं लगा है अभी, जिसमें हम प्लस तार का सप्लाई नहीं दिए रेड वाला तार करंट 12 वोल्ट, उस सारा में जो हमको क्या देना पड़ेगा, अभी रनिंग देना होगा, क्योंकि रनिंग है प्लस वाला तार। देखिए उसको इसीलिए हम छोड़ दिए हैं क्योंकि उसमें हम रनिंग तार देंगे, इसीलिए हम प्लस का कनेक्शन उसमें में नहीं किए हैं। तो आप देखकर बता सकते हैं कि अभी ये किस में जो है रनिंग तार जाएगा। अब बताओ इसके बाद ये ख़त्म होगा इस सीरियल के बाद तो किस में जाएगा, दिमाग लगाइए। रनिंग तार नहीं, फिर रनिंग वायर बोलते हैं, आप किस में जाएगा बोलिए। देखिए वहाँ कनेक्शन नहीं है, इसीलिए आप उसमें जाएगा, उसमें ये जितना है उसमें रेड का तो हम सप्लाई नहीं दिए। तो आप ये सीरियल वाइज जहाँ से ख़त्म हुआ है वहाँ से पकड़ेंगे, उसको जो हम वहाँ से देना आप शुरू कर देंगे। आप देखिए ये रनिंग वायर जो है सारा का सारा जो है जाएगा। और ध्यान से देखते रहिए, जितना है ये सारा चक्र में जो रनिंग वाला तार जो है दौड़ेगा। यह वीडियो जो है लंबा है, लेकिन यदि आपको काम सीखना है LED बोर्ड को तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, हर चीज़ के सीखने के लिए कुछ ना कुछ टाइम तो देना पड़ता है, आपको भी थोड़ा टाइम निकाल के देना होगा, तो आप जो है सारा कनेक्शन देख पाओगे और LED का काम सीख पाओगे। यदि आप ध्यान से पूरा देख लिए तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा। मैं कनेक्शन भी सारा बता दूंगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में जो है सारा कनेक्शन कैसे होता है, बीच में भी बताऊंगा कभी कभी और लास्ट में भी बताऊंगा।
जो वीडियो का कनेक्शन, जो सर्किट होता है, सर्किट का कनेक्शन कैसे होता है, चलिए रनिंग वाला तार पहले कंप्लीट होने दीजिए तो बताते हैं आगे क्या होता है। आगे क्या होगा, आगे तो सब कुछ हो ही गया है। इधर देख रहे हैं, इधर 12 वोल्ट का करंट ऑलरेडी पहुंच गया है। इधर हम इसी तार में जो 12 वोल्ट सटाएंगे SMPS का आउटपुट पावर, और ये उधर जो डायरेक्ट करंट जो है, जो डायरेक्ट बल्ब है, वो जलना शुरू हो जाएगा। लेकिन रनिंग में जो है, रनिंग में क्या करेंगे, रनिंग में हमको सर्किट चलाना है, पाँचों तार को सीरियल बाय सीरियल के सीरीज करना होगा सर्किट में, तके बाद जो है रनिंग काम करना शुरू करेगा। चलिए पहले जो है रनिंग वाला तार कंप्लीट होने दीजिए। अभी लास्ट बचा हुआ है रनिंग तार, ये देखिए यहाँ जो है। अब ये इधर भी रनिंग वाला है तार, आप बता सकते हैं इधर भी रनिंग वाला तार है, क्योंकि इधर भी रेड तार नहीं जुटा हुआ है, इसका मतलब ये भी रनिंग में है। ये इधर देख रहे हैं रेड वाला तार नहीं ना कनेक्शन है जी, तो नहीं कनेक्शन है, इसका मतलब ये क्या है, ये भी रनिंग में है। ये देखिए ये रनिंग में जो है सारा तार हो रहा है कनेक्शन। आपको भी रनिंग में इसी के अनुसार से कर लेना सीरियल बाय सीरियल, एक तार वहाँ से लाइए, फिर लास्ट वाला तार फिर आगे बढ़ाइए, फिर उसके बाद जो चौथा नंबर तार को आगे बढ़ाइए, फिर तीसरा नंबर तार को आगे लीजिए, फिर दो नंबर तार को लीजिए, फिर एक नंबर तार को लीजिए, फिर उसके बाद पांचवा तार से शुरू कीजिए, पांचवा वाला मारिए, फिर चौथा मारिए, फिर तीसरा मारिए, फिर दूसरा मारिए, फिर वन मारिए, फिर उसी अनुसार से जो है आपको पाँचवा तार लेना है, फिर चौथा तार, फिर तीसरा तार, फिर दूसरा तार, फिर पहला वाला तार करके आप मारते जाइए, रनिंग आपका बनते जाएगा। और इसको एक बार लास्ट में जो हम सर्किट में कनेक्शन करेंगे, सारा बल्ब जो है रनिंग होगा। तो वो देख रहे हैं ये कनेक्शन हो रहा है, रनिंग वाला तार जो है थोड़ रहा है सारा में। यदि आपको हमें बता दिया हूँ कि यदि आपका जो बोर्ड ख़राब हो जाए कभी, तो आपको क्या करना है, ये रनिंग वाला तार देखिए कहीं पर से टूटा नहीं है, अगर कहीं पर से ये टूट गया रनिंग वाला तार, तो उसको आप जोड़ दीजिए, सारा बल्ब चलना आपका शुरू होगा। यदि एक रनिंग तार कहीं पर टूट गया, तो जितना हम रनिंग जो मान लीजिए कि चौथा नंबर तार जो हम रनिंग मार रहे हैं, और चौथा नंबर तार बीच से टूट गया, तो चौथा नंबर तार अगर बीच से टूट गया, तो वो चौथा नंबर जो होगा, ये चार नंबर का रनिंग, वो चार नंबर का रनिंग सब बंद हो जाएगा, उसके आगे जितना होगा सब चार नंबर का रनिंग बंद हो जाएगा। तो आपको देखना है, ढूंढना है कि चार नंबर का रनिंग कहाँ से टूटा है, और आपको खोज लेना है। तो ये यहाँ पे से वो वहाँ पर कनेक्ट कीजिएगा, तो चार नंबर रनिंग आपका चलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए आगे भी रनिंग है, उस साइड कर ले जा रहे हैं, तो उस साइड भी रनिंग को कंप्लीट करना है, बस लास्ट ईयर रनिंग है ये, और कंप्लीट हो गया है ये बोर्ड, आप कंप्लीट होने वाला है, आपको ध्यान से देखना है। यदि आपका ये रनिंग तार मान लीजिए तीन नंबर का रनिंग तार कहीं बीच से टूट गया, तो तीन नंबर का में जितना बल्ब होगा रनिंग का, उसमें तो पावर सप्लाई बीच से तो नहीं जाएगा, तो तीन नंबर में का जो बीच में का रनिंग तार होगा, कोई टूट गया जाने से कोई बल्ब जो है बलना बंद हो जाता है, उसके आगे जितना बल्ब है, तो एक एक बीच में एक बंद हो जाएगा, उसके आगे फिर बीच में एक बंद हो जाएगा, फिर आगे बीच में एक बंद हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए होता है कि बीच में से कोई रनिंग तार एक टूट जाता है, तो इसीलिए ऐसा होता है, तो आपको ध्यान से देख लेना है। ये देखिए इधर कंप्लीट हो गया, अब देखिए ये सर्किट वाला जो है तार जो है हम यूज कर रहे हैं, इधर ये सर्किट में लगाएंगे, इसीलिए जो है देखिए सीरियल बाय सीरियल, जैसे हम सीरियल बाय करके दिए हैं, वैसे सीरियल बाय सीरियल करके हम तार को ले कर रख रहे हैं, क्योंकि इसका कनेक्शन हमको सर्किट में करना है। तो देखिए हम पाँचों तार को मार रहे हैं, और देखने ये रख लिए पांचों तार को, ये सब तार चले काट, तार को अलग कर दे रहा, मेरा काम हो गया है ये। अब देखिए हम यहाँ से जो है सब में जो है नेगेटिव वायर देंगे, नेगेटिव सप्लाई, ये देखिए कहीं कहीं पे हम मार देंगे, ताकि जो है लोड नहीं पड़े, वो पतला वाला तार है ना, तो ये मोटा वाला तार को जो है हमको लेकर कहीं कहीं बीच में मार देना है, ताकि जो है हर एक को बराबर सप्लाई मिल पाए, ये पतला वाला तार पर ज़्यादा लोड नहीं पड़े,
इसी अनुसार जो है आपको जितना फ्यूज है उस सब पे जो है क्या कर देना है, ब्लैक डायरेक्ट जो है 12 वोल्ट का करंट हमको दे देना है। कहीं पर भी आप इसको ज्वाइंट कर सकते हो, ये जरूरत नहीं है कि आपको जहाँ अति हुआ दिक्कत नहीं है, आपको जहाँ सुविधा हो इस तार को वहाँ पे आप जो है इसको सोल्डिंग कर सकते हैं, जिस भी जगह पे देखना करना हो कर सकते हैं, क्योंकि ये तार को हमको बीच में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये बीच में बराबर सपोर्ट करें, और बल्ब कहीं से अगर ये काला तार अगर पतला वाला कहीं से टूट भी जाता है तो पूरा बल्ब बोर्ड बंद ना हो, इसीलिए दिया जाता है ये हेवी वाला तार थोड़ा दिया जाता है। तो ये यहाँ पे देखिए ये पेस्ट लगा के तब सोल्डिंग मारिएगा तो अच्छा मार लगेगा। तो आपको ये ब्लैक वाला तार जो है आपको नज़दीक नज़दीक भी दे सकते हैं और दूरी पर भी कहीं कहीं जो है मार सकते हैं। देखिए ये यहाँ तक जो है मार दिए हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, तो ये देखिए लोड बराबर जाएगा क्योंकि SMPS का पावर है, तो SMPS का पावर जितना है तो मार देने हैं ब्लैक में मार देंगे, जो हमको रेजिस्टेंस मारे वहाँ वहाँ मार देंगे। उसके बाद जो हमको पॉजिटिव वायर लेना है रेड वाला, उसके बाद जो जहाँ जहाँ हम रेड सप्लाई दिए हैं उसको भी थोड़ा मोटा कर लेना है ताकि लोड ज़्यादा पड़ने पर वो गले नहीं। ये देखिए रेड वाला तार का कनेक्शन वहाँ है तो रेड में मार दिए, और इसको भी जो है जहाँ जहाँ रेड है वहाँ वहाँ हम इसको भी मार देंगे ताकि ये सप्लाई होता रहे, वहीं पर रेड मारेंगे जहाँ पर रेड तार हमको दिया गया है, इसका कनेक्शन भी हम वहीं करेंगे, रनिंग वाला तार में इसका कनेक्शन हम नहीं करेंगे। याद रहे ये रेड वाला का तार कनेक्शन रनिंग में नहीं होगा, ये देख रहे हैं जहाँ रेड होगा आपको बीच बीच में से जहाँ देखना है आपको सुविधा जहाँ पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है तार पे वहाँ पे आपको मार देना है ताकि ये जो है लोड कम कर दे उस तार पे। आप ये देखिए ये यहाँ पे ये हो रहा है, ये उधर भी है रनिंग वाला तार, ये पेस्ट है जो सोल्डिंग पेस्ट, ये बड़ा वाला डब्बा है आप देख सकते हो, और आगे भी देखिए जितना भी रेड रहेगा उस सब पे हम 12 वोल्ट का करंट देंगे और टायर्ड करंट देंगे तो ये सब आप जल जाएगा। ये बल्ब ओके हो गया, ये सब जो मेरा बल्ब है जो रनिंग नहीं करेगा वो बल्ब ओके हो गया, उसका कनेक्शन कर हो गया, इसमें डायरेक्ट आगे इसमें हम करंट देंगे तो यह बोर्ड जलना शुरू होगा, रनिंग नहीं जलेगा लेकिन जो डायरेक्ट बल्ब है वो जलना शुरू होगा, वो डायरेक्ट जो जलना शुरू हो जाएगा, आप ध्यान से देखो। तो ये कनेक्शन हो गया है, यदि आप हम डायरेक्ट SMPS का पावर सप्लाई दे दें दोनों जो है प्लस माइनस में दे दें तो ऊपर से जलना शुरू हो जाएगा लेकिन रनिंग वाला जलना बंद होगा, रनिंग क्योंकि रनिंग में आपको तो सर्किट लगाना है तभी तो जलेगा। तो ये यहाँ पर से देखिए ये आगे जो है काम हो रहा है, और आपको जो है ध्यान देना है, ये देखिए ये जो है यहाँ पे जो है नेगेटिव प्लस पॉजिटिव करते हैं, इसका मतलब ये है कि उसके पास सर्किट जो है अलग है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है पॉजिटिव पॉजिटिव में रखना है और नेगेटिव नेगेटिव में रखना है, आपको पावर सप्लाई सेम में बराबर जाएगा, SMPS का पावर सप्लाई जो देना है ये सेम बराबर ही रहेगा, उससे कोई दिक्कत आप घबराइएगा नहीं। ये देखिए ये बड़ा वाला तार है तो ये वाला बड़ा वाला तार जो है आपको उतना ही रखना है, रेड रेड में ही डालना है और जो है ब्लैक ब्लैक में ही डालना है आपको। ये पावर हम इसलिए दिए दे हैं क्योंकि मेरा सर्किट में देंगे और सर्किट में भी देंगे तो सर्किट काम करेगा। ये देखिए ये सर्किट में हम लगा रहे हैं, इसको पहले सोल्डिंग कर लेते हैं, ये कॉपर वायर है, ये देखिए सर्किट है, चलिए ये सर्किट का जो है कनेक्शन आप फटाफट कर लेते हैं, तो पहले सोल्डिंग कर लेते ताकि अच्छा से सोल्डिंग लगे। उससे पहले हमको 12 वोल्ट का करंट देना है, तो 12 वोल्ट का करंट देने में सर्किट को जो है हमको मारना पड़ेगा, ये देखिए एक प्लस प्लस में मार दिए हैं एक नेगेटिव में, तो सर्किट में 12 वोल्ट का करंट चला जाएगा जो 12 वोल्ट आउटपुट सर्किट के माध्यम से हमको IC देगा तो रनिंग करेगा बल्ब को। ये देखिए ये यहाँ पे हो गया है, ये 12 वोल्ट जो है लग गया है, प्लस माइनस लिखा रहता है सर्किट के ऊपर जो है नीचे में आपको देखिएगा तो प्लस माइनस लिखा रहेगा, अब वहाँ पे आप उसको जो है सोल्डिंग मार सकते हैं, तो पहले से ही पतला वाला तार दिया रहता है आपको तो वो वहाँ पर भी आप मार सकते हैं। चलिए देखते हैं ये, और चलिए पावर सप्लाई दे दिए हैं, आप चलिए जला कर देखते हैं ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और ये देखिए ये बोर्ड जो है चलना शुरू हो गया है, ये बोर्ड जलना शुरू हो गया लेकिन सर्किट नहीं जला है, ये रनिंग वाला तार नहीं जला क्योंकि रनिंग का कनेक्शन अभी नहीं हुआ है,
आप देखिए रनिंग का कनेक्शन होगा तो सब बल्ब जलना शुरू होगा, और किट में जो है सब अति जो है लाइट नहीं आया, क्योंकि जो है प्लस माइनस था इसीलिए किट में जो है लाइन नहीं आया था, तो इसीलिए आप तार को उल्टा किए हैं तो किट में लाइन आ गया, सर्किट में लाइन आ गया है। यदि सर्किट में करंट नहीं जाएगा तो आपको तार वायर को प्लस माइनस करना होगा, उल्टा पुल्टा करना होगा, तो आपका लाइन चला जाएगा। चलिए इसको टाई बेल्ट से आप इसको बांध लेते हैं और सर्किट को एक जगह जो है कहीं पे जो है जगह दे के फिक्स कर लेते हैं और टाई बेल्ट से जो है इसको बांध लेते हैं। और देखिए उसके बाद जो है सर्किट का कनेक्शन करना रहेगा तो सर्किट का कनेक्शन भी हो जाएगा। देखिए ये देखिए जितना रनिंग वाला तार है वो रनिंग वाला जो है बल्ब नहीं जल रहा है। किस लिए नहीं जल रहा है? क्योंकि सर्किट में हम कनेक्शन नहीं दिए हैं इसीलिए। आज जो बल्ब डायरेक्ट है वो डायरेक्ट अभी जलना शुरू हो गया है। अब जितना रनिंग वाला तार दिया है वो रनिंग में वाला तार यहाँ से जो सर्किट में हम लगाएंगे और एक एक बल्ब रनिंग करना शुरू हो जाएगा। देखिए अभी कोई बल्ब नहीं जल रहा है, वही बल्ब जल रहा है जो डायरेक्ट है, जिसको हम डायरेक्ट प्लस माइनस सप्लाई दिए हैं 12 वोल्ट का, वो चल रहा है। यहाँ से ज़्यादा तार है इसको कट करके हटा देते हैं। अब देखिए जैसे एक बल्ब जलेंगे जो चलेगा और रनिंग करना शुरू हो जाएगा। ये देखिए आप देखिए एक बल्ब तार जुड़ा, एक बल्ब रनिंग करना शुरू हो गया। अब दूसरा जोड़ेंगे तो दूसरा बल्ब रनिंग करना शुरू होगा। अब देखिए दूसरा बल्ब शुरू हो गया। अब तीसरा नहीं जल रहा है तो तीसरा में हम करेंगे तो तीसरा शुरू हो जाएगा। देखिए तीसरे अनुसार तीसरा शुरू हो गया। अब चौथा रनिंग मारेंगे तो चौथा रनिंग जो है शुरू हो जाएगा, और फिर जो है पाँचवा मारेंगे तो पाँचवा रनिंग शुरू हो जाएगा। इसी अनुसार जो बल्ब का रनिंग जितना हम करंट दिए हैं सारा रनिंग वाला तार जो है शुरू हो जाएगा। यदि आपका जो एक रनिंग तार सर्किट से छूट जाता है तो आपको ध्यान में देखिए कौन किसके बाई किस कितने नंबर पे कौन आया है, इसके बाद कौन आया है, तो आपको जोड़ दीजिएगा फिर चलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये रनिंग वाला तार जो है कहाँ से है, तो ये यहाँ पे जो था ये पाँचों का कनेक्शन जो है ऑलरेडी हो गया है, तो ये यहाँ पे देखिए सारा बल्ब जो है रनिंग करना शुरू कर दिया है। तो इसी अनुसार से यदि आपको कोई बल्ब नहीं जल रहा है तो उसका रिपेयरिंग भी आप कर सकते हैं। चलिए ये देखिए ध्यान से ये बल्ब का जो पूरा सेटिंग हो गया है, वहाँ रनिंग करना भी सिखा दिया है। यदि आपको काम वाम सीखना है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और गेट बोर्ड से संपर्क कोई भी शिकायत हो, यदि गेट बोर्ड नया लेना हो तो आपको एड्रेस बता दिया कि मेरा एड्रेस दरभंगा बिहार है, बस स्टैंड के पास दरभंगा में बिहार में पड़ता है, और वहाँ आ सकते हैं, आप वो बोर्ड ले सकते हैं। मेरी तरह हर तरह का बोर्ड आप ऑर्डर के माध्यम से भी बना सकते हैं। चलिए गेट बोर्ड चलिए देखिए तैयार हो गया, अब इसका जो है देखिए रनिंग ये जलना शुरू हो गया है। तो आप इसी अनुसार से जो है एक गेट बोर्ड को जो बना सकते हैं, रोड लाइट को भी बना सकते हैं, गेट बोर्ड को बना सकते हैं। आपको सिर्फ कनेक्शन पता चल जाए तो आपके लिए ईजी है, आप रिपेयरिंग भी कर सकते हैं। यदि कनेक्शन करना आ गया तो रिपेयरिंग करना भी आपको आ जाएगा। चलिए तो आपका जो है मेरा ये प्रयोग कैसा लगा, और चलिए लाइक कीजिए और क्या कहेंगे। चलिए धन्यवाद।